हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज़ मोशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, है ना, और इससे रिलेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ्स बिटवीन डिफरेंट टर्म्स लाइक डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स पर हम लोग एक एक करके आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मोशन एंड व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन को हम लोग बहुत ही ईजिली डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, है ना। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं एक आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, एक घर की फ़ोटो। ठीक, तो देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर इस वॉल पर लगी हुई वॉच को देखोगे, है ना, एक जगह अगर आप बैठे हुए हो और आप इस वॉच को देख रहे हो, तो इस वॉच को देखकर आप क्या कहोगे? या इट इज़ स्टेशनरी, इट इज़ फिक्स्ड ऑन द वॉल, देन इट इज़ कॉल्ड एट रेस्ट। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो टेबल एंड चेयर पड़े हुए हैं, इस टेबल चेयर को देखकर आप क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स इट इज़ आल्सो एट रेस्ट। अनदर एग्जांपल, देखिए वॉल पर ये जो पेंटिंग लगी हुई है, इस पेंटिंग को देखकर आप क्या बोलोगे? यस, इट इज़ एट रेस्ट। तो इस तरह से हम लोग रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट को समझ सकते हैं। व्हाट इज़ स्टेट ऑफ रेस्ट? कब हमने इसको बोला कि ये रेस्ट पर है? कैसे हमने इसको डिफाइन किया ये रेस्ट पर है? क्या चीज़ देखकर हमने कहा कि ये रेस्ट पर है? ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन, लोकेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। ये किसी टाइम पर जहाँ पर फिक्स थे वहीं पर हमेशा फिक्स हैं, इसलिए हम इन ऑब्जेक्ट्स को देखकर बोलते हैं दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। ठीक है, मोशन के बारे में कुछ समझते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन? व्हाट इज़ मोशन? देखिए, इस एग्जांपल को देखिए। देखिए, अगर आप एक ट्रेन को देख रहे हो, मूविंग ट्रेन को, तो इस ट्रेन को देखकर आप क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स इट इज़ इन मोशन। अनदर एग्जांपल, एरोप्लेन देखिए, ये फाइटर प्लेन, इस प्लेन को देखकर आप क्या बोलेंगे? इट इज़ ऑल्सो इन मोशन। अनदर एग्जाम्पल, दीज फिश इन वाटर, क्या कहेंगे आप इनको देखकर? दीज आर ऑल्सो इन मोशन। वहीं पर देखिए, अगर आप इस इन बर्ड्स को देखेंगे, तो ये बर्ड्स आपको देख आप इन बर्ड्स को देखकर आप क्या बोलेंगे? दीज आर ऑल्सो इन मोशन। तो क्या आपने पाया कि आपने इसको कहा कि ये मोशन में है? सोचिए, क्यों कह रहे हो आप इन सब चीज़ों को मोशन में? ऑफ कोर्स, बिकॉज पोजीशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग विद टाइम। क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, तो इसलिए हम इन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं कि ये सब ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं। तो क्या आपको कुछ कुछ समझ में आया रेस्ट एंड मोशन? फिर से देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट? When position of object is not changing with time, then it is called state of rest. And when position of object is changing with time, then it is called state of motion. ठीक है, देखिए rest और motion की state को थोड़ा और clear करने के लिए और precise करने के लिए मैं आपको कुछ photos, कुछ video और दिखा रहा हूँ। ज़रा इस वीडियो में देखिए, इस पर्सन को देखिए, क्या ये पर्सन आपको रेस्ट पर दिख रहा है? ये मोशन में है? क्या कहेंगे आप इस पर्सन को देखकर? ऑफ कोर्स ही इज़ एट रेस्ट। बट अब देखिए, क्या ये रेस्ट पर है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ नॉट एट रेस्ट, बट ही इज़ इन अ वैन, अ मूविंग वैन। और अगर ये वैन मूविंग है, तो इसका मतलब ये पर्सन भी मूविंग है, ये पर्सन भी मोशन में है। था ना लिटिल कंफ्यूजिंग?
एक वीडियो में आपको और दिखा रहा हूँ। देखिए इस वीडियो में क्या ये पर्सन रेस्ट पर है? ऑफ कोर्स इस बगल वाले पर्सन को ये पर्सन रेस्ट पर दिखेगा, लेकिन ज़रा अब देखिए क्या ये पर्सन रेस्ट पर था? ऑफ कोर्स नॉट। इस बाहर वाले पर्सन को ये कार वाला पर्सन रेस्ट पर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कार मूव कर रही है और कार में बैठा हुआ पर्सन बाहर वाले पर्सन को कार में बैठा हुआ पर्सन चलता हुआ आगे मूव करता हुआ दिख रहा है। यानी कार में ही बैठे हुए दोनों पर्सन एक दूसरे को कैसा पाएंगे? एट रेस्ट। लेकिन कार के बाहर जो ऑब्जर्वर है पर्सन है, उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग कार के अंदर के पर्सन कैसे हैं? इन मोशन। ठीक है, कुछ चीज़ें और क्लियर हुई? देखिए एक वीडियो में आपको और दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में ज़रा देखिए क्या ये बुक रेस्ट पर है और मोशन में है? ऑफ कोर्स इट इज़ एट रेस्ट बिकॉज इट्स पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। लेकिन अब ज़रा देखिए क्या इस सन को ये बुक स्टेशनरी दिखेगी? ऑफ कोर्स नॉट बिकॉज अर्थ इज़ रिवॉल्विंग, अर्थ इज़ ऑलवेज इन मोशन। अर्थ हमेशा मूव करती है, तो इस सन को ये बुक जो कि अर्थ पर है वो भी मूव करती हुई दिखेगी। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं जो कि हमें रेस्ट पर अपीयर होते हैं। जैसे अर्थ पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, है ना, तो ये रेस्ट पर तो हैं लेकिन हमारे लिए रेस्ट पर हैं। लेकिन सोचिए इन्हीं माउंटेन या ट्री को कोई सन से देख रहा हो, है ना, तो अगर कोई सन से देख रहा होगा तो सन के लिए तो ये अर्थ मूविंग है, अर्थ सन के चक्कर काट रही है ना, और अर्थ पर की सारी चीज़ें फिर उस सन के लिए चक्कर काट रही हैं यानी चल रही हैं, है ना, तो हम क्या कहेंगे? क्या माउंटेन या ट्री रेस्ट पर होता है? नहीं, वो मेरे लिए रेस्ट पर है ना, लेकिन वही माउंटेन और ट्री सन के लिए मोशन में है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि रेस्ट और मोशन ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये देखने वाले ऑब्जर्वर के लिए स्पेशल होता है, ये देखने वाले ऑब्जर्वर के लिए डिफाइंड होता है किसी बॉडी के रेस्ट की या मोशन की स्टेट। यानी कि किसी बॉडी की रेस्ट या मोशन की स्टेट ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर चेंज होती है। पिछले कई एग्जांपल्स में हमने ये देखा। ठीक है, तो किसी की रेस्ट या मोशन की स्टेट इस बात पर डिपेंड करती है कि किस ऑब्जर्वर ने उन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया। ठीक है, किसी एक ऑब्जर्वर के लिए हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो लेकिन वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन की स्टेट में भी हो सकता है। तो हमें रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन को थोड़ा और क्लियर करने की ज़रूरत है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा रेस्ट एंड मोशन के बारे में? रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट इज डिफाइंड एज इफ पोजिशन ऑफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। एंड वॉट इज स्टेट ऑफ मोशन? इफ पोजिशन ऑफ बॉडी इज चेंजिंग विद टाइम। तो दीज डेफिनेशन आर नॉट क्लियर डेफिनेशन, थोड़ा हमें इसको और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो अब हम क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ रेस्ट इज व्हेन पोजिशन ऑफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। एंड वॉट इज द स्टेट ऑफ मोशन? इफ पोजिशन ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग विद टाइम रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, देन उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो बॉडी कहलाएगी इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्या रेस्ट एंड मोशन आपको थोड़ा क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, तो स्क्रीन को आप पॉज करिए और यहाँ पर ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इन डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए आप जब भी वीडियो देखें तो आप ज़रूर से एक कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठें और इस वीडियो में बताई गई चीज़ें जो बोलकर बताई जा रही हैं और जो लिखी हुई हैं आपको लिखने को बोला जा रहा है उनको साथ ही साथ आप नोट करते चला करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाना है, तो आप ज़रूर से एक कॉपी पेन लेकर साथ में बैठें और जो चीज़ें आपको बोलकर बताई जा रही हैं, कुछ डेफिनेशन, कुछ थ्योरी, तो आप उनको नोट करते चलें और जो चीज़ आपको नोट करने लायक लग रही हो, कुछ पॉइंट्स आपको लग रहे हो कि इसको नोट कर लिया जाए, तो उसको आप प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलिए जो कि आपको आगे काम आएंगे। आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका। जैसे आप स्कूल में आप अपनी नोट्स कंप्लीट करते हैं वैसे ही आप इन वीडियोस की हेल्प से भी अपना नोट्स कंप्लीट करिए।
ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर ज़रूर से बैठिए और जो भी चीज़ें बोलकर बताई जाएं उनको आप कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ डेफिनेशन और इसको समझने की कोशिश करी। तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी रेस्ट एंड मोशन के बारे में चीज़ें। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको भी समझना ज़रूरी है, व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस जैसे कि एक नॉर्मल टर्म है, ज़्यादातर बोलचाल में रहता है ये टर्म। तो एग्जैक्टली क्या होती है डिस्टेंस की डेफिनेशन? तो डिस्टेंस इज़ नथिंग बट अ टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड। तो एक ऑब्जेक्ट अपने पूरे मोशन में जितनी पाथ लेंथ ट्रेवल करता है, जिस जिस पॉइंट से होता हुआ जिस जिस पॉइंट तक जाता है, वो टोटल पाथ लेंथ काउंट होती है डिस्टेंस में, ठीक है। चाहे कोई स्ट्रेट चल रहा हो या किसी कर्वेचर पे चल रहा हो, किसी और तरह के ट्रैक पर चल रहा हो, हमें उसकी टोटल पाथ लेंथ चाहिए होती है डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में टोटल पाथ लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ देखा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट इनिशियली मोशन के स्टार्ट में कहाँ पर था, ठीक है, और मोशन के एंड पर कहाँ पहुँच गया। यानी इसमें हमें उसके सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से ही मतलब होता है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह से डिफाइंड है? डिस्प्लेसमेंट इज़ डिफाइंड एज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं और इस तरह से डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस समझ सकते हैं इसकी यूनिट मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर होती है, ठीक है। वहीं पर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। तो इसको भी आप स्क्रीन पॉज करके जो डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा है, तो एक पर्सन एक पाथ पर चल रहा है ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर ये ए से बी जाता है, फिर बी से सी जाता है, सी से डी जाता है, और अगेन अगर ए पर वापस आ जाता है, तो ऐसे में अगर पूछा जाए कि इस पर्सन ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, तो समझ सकते हैं अभी हम लोगों ने डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या सीखा, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। उसकी पाथ को हमें टोटल मीज़र करना होगा कि जिस जिस रास्ते से होता हुआ वो जिस जिस पॉइंट पर गया, जिस जिस पॉइंट पर पहुँचा, वो पूरे रास्ते की लंबाई कहलाती है उसकी डिस्टेंस। तो देख सकते हैं, तो इस फिगर में अगर हमें कैलकुलेट करना हो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो आप इसकी टोटल जो भी पार्ट्स हैं ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी प्लस डी से ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए, इस टोटल पाथ को आप सम करके इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, तो फिर से याद करिए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपने क्या सीखा था, क्या सीखा था? इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब ज़रा सोचिए, अगर ये पर्सन जिस पॉइंट से चलना शुरू किया और उसी पॉइंट पर वापस आ गया, यानी जो इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन है, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है? ज़ीरो। तो इस सिचुएशन में इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो, ठीक है। तो ये एक ऑब्वियस टर्म है, तो किसी भी पॉइंट से ट्रेवल करके एक ऑब्जेक्ट किस उसी पॉइंट पर अगर वापस आ जाए, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर एक ही हो, तो इन सब सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये है पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इसमें ए से बी एक पर्सन ए से बी और बी से सी जा रहा है, ठीक है। ए बी पाथ लेंथ हमें पता है, बी सी पाथ लेंथ भी पता है, तो ए से बी गया फिर बी से सी गया, और ऐसे में पूछा गया कि इसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस सिंपल ए बी प्लस बी सी। लेकिन ये इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं,
ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ हमें बताती है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी हम ए से सी को, यानी इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें, तो इस लाइन की लेंथ हमें बताएगी कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो अगर ये लेंथ है 5 मीटर, तो ऐसे में इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 मीटर एंड इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी 4 + 3, दैट इज 7 मीटर। क्या कुछ समझ में आया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो इन दो एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, एक और थोड़ा और अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है ना, एक सर्किल पर चल रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक, और इस सर्किल की रेडियस दे रखी है 5 मीटर। ये स्टार्ट करता है चलना पोजीशन ए से, पोजीशन बी पे जाता है और फिर पोजीशन सी पर पहुंचता है, सर्किल पे चलता चलता। तो ऐसे में अगर पूछा जाए, जब ये ए से बी गया सिर्फ, तो ए से बी जाने में इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, तो हमें क्या देखना होगा, इसके पाथ की लंबाई। जी हाँ, इसके पाथ की लंबाई। तो ए से बी के पाथ की लंबाई क्या होगी? तो सिंपल समझ सकते हैं, ये क्वार्टर सर्कुलर ट्रैक है, क्वार्टर सर्कुलर पाथ है, और एक पूरे सर्किल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2πr। तो इसकी क्वार्टर लेंथ क्या होगी, 2πr डिवाइडेड बाई 4। तो ये तो हो गई इस ऑब्जेक्ट की इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, इस पर्सन की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन यही चीज़ अगर ए से बी और फिर वापस और आगे सी तक भी अगर चला जाए, तो ऐसे में पूछा जाए ए से बी और बी से सी, तो अब इसकी टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, तो ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कमफेरेंस है, तो हाफ सर्कमफेरेंस यानी 2πr/2, यानी कि पाई आर, ये हो गई इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। और ऐसे में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो याद करिए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन फिर से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो इस पर्सन ने ए से स्टार्ट किया और पहुँच गया सी, और ए और सी कैसे पॉइंट्स हैं, ऑफ कोर्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। तो ए से सी को अगर आप कनेक्ट करोगे, तो ये डायमीटर बनेगा सर्कल का। ठीक है, तो ए से सी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डायमीटर के इक्वल। तो ऐसे में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डायमीटर के इक्वल, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, तो इन एग्जांपल से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, दैट इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। तो स्पीड को कैसे डिफाइन किया जाता है एंड वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको भी सिंपली देख सकते हैं। देखिए, स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डिस्टेंस की डेफिनेशन आपको क्लियर है, टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, तो स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बता सकते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो सकती है, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्पीड हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की डिफाइन करते हैं। वहीं पर अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी स्पीड से थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, तो स्पीड में क्या यूज़ होता है, डिस्टेंस, तो वेलोसिटी में क्या यूज़ होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसमें भी आ रहा है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डिस्टेंस यूज़ हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो फिर से स्क्रीन को पॉज करिए, और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए, तो हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल देख सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी पर बेस्ड भी, जिससे कि थोड़ा और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो। ठीक है, देखिए, एक कार है जो कि 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यूनिफॉर्मली ये चल रही है। ठीक है, अभी हम लोग आगे और इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एंड व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो अभी हम लोग ये मानकर चलते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्मली चल रही है। यूनिफॉर्मली का मतलब उसकी स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, एक समान चाल से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो ये मानकर अभी हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें और भी वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार यूनिफॉर्मली चल रही है और ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 आवर में ट्रेवल करती है। तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 आवर और स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। ऐसे में पूछा गया कि इसकी स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी। तो फिर से डेफिनेशन याद करिए स्पीड की। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या थी? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 20 किलोमीटर, कितने टाइम में ट्रेवल किया, 1 आवर में। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस कार की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बताइए अगर ये कार एक स्ट्रेट लाइन में चली है, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना, ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो अगर ये कार एक स्ट्रेट लाइन में चली तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या वो डिस्टेंस के इक्वल होगा या डिस्टेंस से डिफरेंट होगा? तो याद करिए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। यानी ये कार जिस पॉइंट से चलना शुरू करी और जिस पॉइंट पर आई, उन दोनों को अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो तो ये तो उतना ही हो जाएगा जितनी इसकी पाथ लेंथ है। यानी इस सिचुएशन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया इस कार ने उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इस केस में इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि 20 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, दैट इज अगेन 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके आगे थोड़ा हम लोग और कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हैं, कुछ टर्म्स और देखते हैं, कुछ एग्जांपल अच्छे और देख सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम लोग देखें तो इस नेक्स्ट एग्जांपल में एक पर्सन एक रेक्टेंगुलर एक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है ए बी सी डी, ठीक है। इस फील्ड की टोटल लेंथ हमें पता है कि कितना इसका मेजरमेंट है और कितने टाइम में ये ट्रेवल किया, ये भी हमें दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे में पूछा जा रहा है कि इसमें इसकी स्पीड क्या रही और इसकी वेलोसिटी क्या रही। फिर से हम लोग इस पर्सन को मानकर चल रहे हैं यूनिफॉर्मली, अभी नॉन यूनिफॉर्म जैसा कुछ भी नहीं देख रहे हैं, या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म अभी हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सिंपल सिचुएशन मानकर चलें तो यहाँ पर ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए वापस पर्सन आ गया। तो बताइए कितनी पाथ लेंथ इसने ट्रेवल किया, इसने पाथ लेंथ ट्रेवल किया टोटल ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, कितने टाइम में ट्रेवल किया ये दे रखा था, 10 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी इसको हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और यहीं पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस बार देखिए फिर से इसी एग्जांपल को हम लोगों ने पहले भी देखा था डिस्प्लेसमेंट में, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा था, 0, क्यों, क्योंकि इनिशियली जहाँ से स्टार्ट किया इसने फाइनली भी वहीं पर आ गया, ठीक है। तो इनिशियली जहाँ से स्टार्ट किया फाइनली वहीं पर आ गया, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो इसकी एवरेज इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 0, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी 0 बट स्पीड इज समथिंग नॉन 0, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा। क्या क्या सीखा आज हम लोगों ने, फिर से देख सकते हैं एक बार, रेस्ट एंड मोशन की स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं ये हम लोगों ने सीखा, अच्छे अच्छे एग्जांपल से हम लोगों ने सीखा, अच्छे आपको वीडियोस आपको बताए, आपको फ़ोटोज़ दिखाई जिससे कि हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन की स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं इसके बारे में सीखा। इसके बाद हम लोगों ने सीखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड टर्म्स और उस पर कुछ एग्जांपल्स भी किए, और इसके बाद हम लोगों ने सीखा स्पीड एंड वेलोसिटी की डेफिनेशन और उस पर भी बेस्ड हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स किए।
तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट जो कि आगे आने वाले वीडियोज़ में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, है ना, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और हम लोग सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग और भी नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपको सिखाई गई उनको आप अलग से फिर से एक बार रिवाइज करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड और भी आगे आने वाले टर्म्स सीखेंगे, ठीक है।